हाँ तो भैया क्या दिक्कत है? भैया हमें ये प्रॉब्लम है, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी प्रॉब्लम है। फेसबुक का पावर हाँ, कितना दिन से आ रहा है? 1.5 महीने से। 1.5 महीने से। तार का दिक्कत है भैया? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी ये कितने दिन से तुम्हारा? 1 महीने। 1 महीने से। हाँ तुम्हारा क्या दिक्कत है भैया? मेरा कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू है, लगभग 20 से 25 दिन से। 25 दिन से, मतलब मिला जुला के सबका कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू है। ठीक है, सबका यही है ना, हो रही है। तो भैया इन सबका भी यही प्रॉब्लम है और आप सबका भी यही प्रॉब्लम है, क्योंकि चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, जितने भी मैसेज, जितने भी कमेंट आ रहे हैं, सबके यही प्रॉब्लम चल रहे हैं कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी। तो आखिर ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है? काफ़ी लोग परेशान इससे कह रहे हैं, भैया मैं अप्लाई भी कर रहा हूँ, रिपोर्ट भी कर रहा हूँ, उसके बावजूद जो है मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। हालांकि इस पर मैंने कई सारी वीडियो बनाई है, कई सारे लोगों के सॉल्व भी हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि मेरा सॉल्व नहीं हो रहा है। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं एक एक चीज़ करके दिखाऊंगा कैसे आप हटाएंगे कॉन्टेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी। और ये होने वाला है कॉपी पेस्ट वालों के लिए, जितने भी कॉपी पेस्ट पर काम कर रहे हैं उनके लिए वीडियो ज़्यादातर होने वाली है, क्योंकि मैं उसी टॉपिक पे आज बात करने वाला हूं। तो मेरे पास फिलहाल एक आईडी है, मैं सबकी प्रॉब्लम तो एक साथ सॉल्व नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक आईडी पे मैं बताऊंगा, उसी तरीके से सबको फॉलो करना है और आप भी इस तरह से जो है अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपके सामने एक स्क्रीन रिकॉर्डर चालू हो चुका है, चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ, कहीं भी फिट बैठेगा वहां मैं लगा दूंगा। तो आप देख सकते हैं ये आपके सामने एक पेज दिखा रहा हूं, ठीक है। और इन भाई साहब का कहना है मेरा जो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी है काफी दिनों से है, इन्होंने अप्लाई भी किया, मतलब रिपोर्ट भी किया, उसके बावजूद इनका सही नहीं हुआ। तो आखिर क्यों नहीं सही हो रहा है? ऐसे आप भी अप्लाई कर रहे हैं और आपका भी सही नहीं हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, यहाँ मैनेज में जाएंगे, ठीक है। मैनेज में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ जाएंगे हम मोनेटाइजेशन में, ठीक है, मोनेटाइजेशन टूल्स में जाएंगे और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ इनका जो क्राइटेरिया है, देखें इन स्ट्रीम ऐड का सारा जो है कंप्लीट है। सिर्फ और सिर्फ इनका जो है ई फॉलो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी जो है इनका कंप्लीट नहीं है। तो सबसे पहले आपको बता दूं ये कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी आखिर आता क्यों है हमारे पेज पे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक चीज़ आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं किस वजह से हमारे पेज पे या प्रोफाइल पे कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू आता है, ठीक है। हर जगह आप क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसको इत्मीनान से आराम से आपको पढ़ना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से आप चेक कर सकते हैं आखिर ये आता क्यों है, ठीक है। तो अब मेन मुद्दा हमारा ये है आखिर इसको ख़त्म कैसे करेंगे, सही है, सबसे पहले यही जानना है। तो मैं आपको बता दूं बैक करेंगे, इसको पूरा का पूरा बैक करेंगे। दोबारा से हम मैनेज पे जाएंगे और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको नज़र आएगा पेज रिकमेंडेशन, ठीक है। इस पर आप क्लिक कर देंगे, इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं देख लें यहाँ पे सब कुछ आपका यहाँ पे ग्रीन है, ठीक है, ठीक है, रिकमेंडेशन लिख के दे रहा है। उसके बाद आपको क्या चेक करना है, यहाँ पे पेज स्टेटस चेक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेज स्टेटस बिल्कुल ठीक है, ग्रीन टिक लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने चेक करना है एलिजिबल टू मोनेटाइज, ठीक है, इस पर चेक करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं इनको स्टार और सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन मिला हुआ है, इन्हें ट्राई करना है इन स्ट्रीम ऐड और लाइव एड्स के लिए, ठीक है, ये क्योंकि इसका क्राइटेरिया होता है। अभी जो इसका क्राइटेरिया कह रहा है मीट नहीं, मतलब क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं है, एक ही बचा हुआ है कॉन्टेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी। ये क्राइटेरिया भी कंप्लीट है तो इनका ये मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है। इसको बैक करेंगे, ये सारा कुछ आपने चेक करना है। उसके बाद यहाँ मोनेटाइजेशन में जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, आपका अब यहाँ पे भी देख सकते हैं नो मोनेटाइजेशन वायलेशन दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे कंटेंट वायलेशन में एक कोई रील है ये जो है वायलेट कर रही है, देखें इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखें इशू लिख के आ रहा है। अब इस रील को आपने कब अपलोड किया है, कौन सा ये रील है, आपको बेहतर पता होगा जिसका पेज है ये, ठीक है। आपने 11 जनवरी 10:01 पर सुबह में जो है इसको अपलोड किया है, तो इस रील पर जो है प्रॉब्लम है, यहाँ पर इशू लिख के दे रहा है। ये सारा कुछ आप चेक कर लेते हैं, ठीक है, अगर कुछ दिक्कत है ये सारा कुछ आप चेक कर लें। जैसे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ ये वीडियो की दिक्कत है, तो आपको आप आगे जो करना है आपको वीडियो सारी के सारे डिलीट करनी है। मैं आपको करके दिखाऊंगा एक एक चीज़, आज आपको मैं करके दिखाने वाला हूँ, हर चीज़ करके दिखाऊंगा। बैक करेंगे, पूरा का पूरा बैक कर देंगे और यहाँ जाएंगे वीडियोज़ में। वीडियोस में आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी वीडियो है, ठीक है। अब बात आती है सारे के सारे कंटेंट आपको डिलीट करने हैं, चाहे कितने भी व्यूज़ हो, जो आपकी वीडियो ओरिजिनल नहीं है, जो आपने कॉपी पेस्ट किया हो, चाहे 4 मिलियन हो चाहे 20 मिलियन हो, आपको सारे के सारे डिलीट करने हैं। अब कैसे आपको डिलीट करना, आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बैक करेंगे
और यहाँ पे क्लिक कर देंगे प्रोफाइल, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको नजर आएगा मैनेज पोस्ट, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे शेड्यूल लिखा है, आप पब्लिश पे चले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दिखाएगा जितने भी आपने फोटो, जितने भी वीडियोस आपने अपलोड किए होंगे, सारा का सारा यहाँ पे आपको शो होने लगेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है देखें, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, सारी के सारी वीडियो ऐसे भी कर सकते हैं और सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर लेंगे, जहाँ तक आप देखें यहाँ पे, ठीक है, इतनी वीडियो हो गई और सारे के सारे एक साथ भी आप जो है ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, जितनी वीडियो है सारे के सारे आप कर लेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे मैंने सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद यहाँ पे एडिट लिख के आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक मूव टू ट्रस्ट लिख के आ रहा है। ठीक है, लेकिन नीचे आपको देखना है आइटम्स इन यूआर ट्रस्ट आर डिलीटेड आफ्टर 30 डेज, मतलब ये 30 दिन के बाद जो है फेसबुक से हट जाएंगे, 30 दिन के बाद। ठीक है, आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ डिलीट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं डिलीटेड 72 पोस्ट, तो देख सकते हैं सारे के सारे पोस्ट यहाँ पे जो है डिलीट हो चुके हैं, पहले पब्लिश में यहाँ दिखा रहा था लेकिन अब सब कुछ जो है डिलीट हो चुका है। अब इसको हम बैक करेंगे, ठीक है, बैक करेंगे, पूरा का पूरा बैक करेंगे, दोबारा से यहाँ चेक करेंगे रील्स के सेक्शन में जाके, कोई रील्स बची है, देखें यहाँ पर रील्स बची हुई है। ठीक है, अब आपको रील जो है एक एक करके डिलीट कर देना, सबसे पहले रील हम डिलीट करेंगे, रील पर क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं ये ओपन नहीं हो रहा है, हो सकता है ये खुद ब खुद जो है डिलीट हो गया हो, वहाँ से यहाँ से हमने डिलीट करी है उसमें ये भी आया हो। अगर ये ओपन हो रहा है आपके सामने तो यहाँ पे 3 डॉट आपको मिलने वाला है, उस पर क्लिक करेंगे और आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देंगे, एक एक करके सारी रील जो है आप डिलीट कर लेंगे। ठीक है, आपने मान लो आप रील भी डिलीट कर दी, उसके बाद हम बैक करेंगे। ठीक है, बैक करने के बाद हम ये जो प्रोफाइल पिक्चर आप देख रहे हैं ना, इसको भी सबसे पहले आपको डिलीट कर देना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे फोटोज़ पर, फोटोज़ पर क्लिक कर, अब यहाँ पर जितने भी फोटोज़ आपको नज़र आ रहे हैं इस पर आप क्लिक करेंगे, ऐसे क्लिक करने के बाद 3 डॉट पर क्लिक करेंगे ऊपर और यहाँ डिलीट फोटो है, यहाँ से दोबारा से डिलीट फोटो पे जाएंगे, सारे के सारे डिलीट, डिलीट फोटो, डिलीट, डिलीट फोटो, डिलीट, डिलीट फोटो, ये हालांकि ओरिजिनल है। ठीक है, अगर इसको आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन चलो मैं ये भी डिलीट कर देता हूँ। ये सारे के सारे फोटो जो है डिलीट हो गए, एक फोटो और बचा है, हो गया, सब कुछ डिलीट हो चुका है। ठीक है, दोबारा से हम एक बार चेक कर लेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं एक भी फोटो आपको नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल अब ब्लैंक हो चुका है, बस आपको रील ध्यान से आपको डिलीट कर लेनी है। अब इसके बाद जो आपको करना है, ये जो पेज है, जो आपका पेज हो या यह पेज हो, ठीक है, ये पेज, ये आपका पेज जिस प्रोफाइल पर बना है उस प्रोफाइल पर जाना है, उस प्रोफाइल पर एक चीज़ चेक करनी है, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ आपको। अब जैसे ये प्रोफाइल है, ठीक है, प्रोफाइल पर मैंने क्लिक कर दिया, सी डैशबोर्ड पर जाएंगे और उसके बाद थोड़ा सा अब नीचे आएंगे हम लोग। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पेज रिकमेंडेशन में जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्रोफाइल रिकमेंडेशन जो है इनका, ठीक है, यहाँ पे नीचे लिख के दे रहा है रिकमेंडेबल। ठीक है, लेकिन उसके बाद हमने जाना है प्रोफाइल स्टेटस पे, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखें रेस्ट्रिकेटेड मोनेटाइजेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं मोनेटाइजेशन इश्यूज लिख के दे रहा है और नीचे है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब इनके प्रोफाइल पे भी दिक्कत है। तो अगर आपके प्रोफाइल पे भी इस तरह की अगर दिक्कत है, उसके बाद आपका पेज अगर ग्रीन भी हो जाता है, मतलब सब कुछ हट जाता है, उसके बाद आप सेटअप करते हो, अप्रूवल के लिए भेजते हो इनस्ट्रीम ऐड को या और कुछ, उसके बावजूद जो है आपका पेज मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि फेसबुक आपको अप्रूवल नहीं देने वाला है, क्योंकि आपकी प्रोफाइल पे अगर ये दिक्कत है तो। अब ऐसे में क्या करना है, पहले आप तो ये समझ लें कि ये प्रॉब्लम आपके प्रोफाइल पे आई क्यों है, क्योंकि देखो प्रोफाइल पे हम एक नहीं 10, 12, 15 पेज बना लेते हैं, तो किसी ना किसी पेज पे हम ऐसी कोई पोस्ट डाल देते हैं या किसी और का पोस्ट डालते हैं, तो इस वजह से हमारी प्रोफाइल पर भी इफेक्ट करता है। ठीक है, अब ऐसे में क्या करना है, मैं या तो आप ये करें, जितने भी आपके पेज हैं 10, 15, 20, 50, 100 जो भी आपके पेज हैं, सारे पेज आप चेक करेंगे किस पे और आपने गलती कर रखी है, या तो फिर आप ये करेंगे जो आपको मैंने अभी पेज दिखाया, मैं बैक चलता हूँ पेज के ऊपर फिर बताता हूँ आपको। अब जैसे ये पेज है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस पेज को जो है किसी और प्रोफाइल पे ट्रांसफ़र कर लेना है, मतलब आप तो एडमिन हो ही, आपका जो प्रोफाइल है वो आपके पेज पे एडमिन है, लेकिन आपको एक एडमिन और ऐड कर लेना है, कोई फ्रेश जिसकी प्रोफाइल पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब ये मत सोचना आप एक नया प्रोफाइल बना लूँ फेक कोई, उस पर मैं ट्रांसफ़र कर लूँ, ऐसा बिल्कुल मत करना। जो आपकी प्रोफाइल जेन्यून हो, आपके घर में बहुत सारे लोग फेसबुक यूज़ करते हो, उनके प्रोफाइल पर जो है आप ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब आगे जो आपको करना है ये बहुत ही गौर से समझें, जैसे आज डेट क्या है, 5 फरवरी है। ठीक है, 5 फरवरी को मैंने इनके पेज से सारा डेटा जो है उड़ा दिया है। अब इनको करना है एक महीने तक, रेगुलर एक महीने तक वीडियो अपलोड करनी है, जैसे मोबाइल का कैमरा है, मोबाइल के कैमरे से शूट करके हम 4 मिनट 4.5 मिनट 3.5 मिनट की वीडियो जो है डेली हमें पोस्ट करनी है, ओरिजिनल वीडियो, किसी और की वीडियो नहीं, कैमरे से शूट करके। ठीक है, एक महीने में आपको कम से कम 15 बार लाइव भी आना है,
आप पोस्ट करेंगे एक महीने तक, मतलब अगले 5 तक आपको ये काम करना है, ओरिजिनल वीडियो भी अपलोड करनी है और लाइव भी करना है। अब ये सारा कुछ काम आप कर लेंगे, फिर आगे का जो प्रोसीजर हम आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इस तरीके से हम स्टेप 1, स्टेप 2 या स्टेप 3 तक भी हम आ सकते हैं, मतलब इसमें 3 वीडियो या 2 वीडियो भी आ सकती है, लेकिन आपको एक एक चीज़ प्रॉपर करके दिखाऊंगा, आगे की वीडियो बताऊंगा किस तरह से आपको रिपोर्ट करनी है। लेकिन फिलहाल एक महीने तक ये काम आप करोगे, ओरिजिनल वीडियो अपलोड करोगे और लाइव भी करोगे और अपने ओरिजिनल फोटोज़ वगैरह भी डालोगे एक महीने तक रेगुलर, अपने ओरिजिनल फोटोज़ भी अपलोड करो डेली, ताकि फेसबुक को ये लगे कि हाँ ये बंदा जो है जेन्यून काम कर रहा है, रेगुलर काम कर रहा है और ओरिजिनल कॉन्टेंट है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, मिलता हूँ जल्दी आपसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और एक बात बता दूँ, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, और अगर आपने फेसबुक पे फॉलो नहीं कर रखा तो फेसबुक पे भी फॉलो कर लें, वहाँ पे भी अपना सपोर्ट दिखाएं, वहाँ पे भी वीडियोस और अपडेट्स आती रहती हैं।